राजस्थान में जहां कांग्रेस अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जैसे दो धड़ों में बटी हुई है, वहीं कोटा संभाग में भी खनन मंत्री प्रमोद भाया और पूर्व पंचायती राज मंत्री तथा सांगोद विधायक भरत सिंह के बीच लगातार तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल भरत सिंह का अपनी ही पार्टी के खनन मंत्री प्रमोद भाया पर आरोप है कि वो अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए सोरसन वन क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यहां भाया गोडावन प्रजनन केंद्र नहीं खुलने देना चाहते। सुनिए भरत सिंह का क्या है कहना। तो आजादी है पर खाने की भी आजादी है क्या? इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये भी स्वतंत्रता, आपने जो देश आजाद हुआ ये खाने के आजाद हुआ के महात्मा गांधी ने संघर्ष इसीलिए किया कि खूब भ्रष्टाचार कुर्सी पर बैठो, खूब भ्रष्टाचार करो, जनता को लूटो, ठगो, राम की कीर्तन करो, गौशाला की रोटी पर गौशाला का नाम लो, गौशाला का पैसा खा जाओ। गोडावन के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो क्षेत्र है पठार जो है सोसल की, उसमें हमेशा गोडावन यहाँ रहते थे और 80 के दशक में जयपुर में एक गोडावन के ऊपर सिंपोजियम हुआ था इंटरनेशनल। तो मैं उस समय ग्राम पंचायत पुनर्निर्माण का सरपंच था और ये सोरसन जो गांव है ये हमारा पैतृक पुराना गांव है और मेरा वर्तमान गांव कुनंदपुर वो नदी के दूसरे किनारे पर कुनंदपुर में मैं रहता हूँ। तो इस क्षेत्र से मेरा ये भाया जी पैदा नहीं हुए थे, उससे हमारा पारिवारिक संबंध इस क्षेत्र से रहा। और गोडावन 80 के दशक में जब ये सारी अभी जो है गोडावन जो मंत्री जी कह रहे हैं वहाँ नहीं है, वो हकीकत है कि ये जो इस 21वीं सदी के जो है शुरुआत में ये गोडावन वहाँ मौजूद थी और यहाँ एक वी के सालवान डीएम हुआ करते थे जब ये कोटा और बारा एक ही जिला था। उस समय यहाँ पर गोडावन को 3 गोडावन हमें जहर दी हुई उसको मरी हुई अवस्था में, 2 तो मर चुकी थी और एक जिंदा थी तड़प रही थी, वो हमने उनको देखा था और वो लेके आए थे। इसलिए यहाँ पर जो गोडाउन मारी थी वो मंत्री के विचारधारा के उसी प्रवृत्ति के लोग बाग जो इस क्षेत्र में खनन करना चाहते हैं उनका कार्य था। मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें ये सीधे इन्वॉल्व थे, मगर इसी नस्ल के लोग बाग जो इस पठार को पत्थर फोड़ने के लिए एक उपयुक्त जगह मानते हैं वो इसमें थे। इसलिए गोडावनियाँ हमेशा थी और अभी जो इस जगह का भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून ने जो चयन किया है वो भरत सिंह जी के कहने पर नहीं किया, उनके पास सारे रिकॉर्ड डाटा मौजूद थे और उन्होंने पूरा उन क्षेत्रों का सर्वे करा जहाँ पर गोडावन प्रजनन केंद्र बन सकता है और उन्होंने पाया कि सोरसन उसमें से सबसे उपयुक्त है। प्रतिनिधि के नाते इनका फर्ज ये होता है कि राजस्थान सरकार की जो बजट घोषणा थी उससे तालियां बजाते, बहुत खुश होते कि हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छा काम हो रहा है और ऐसा काम हो रहा है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये गोडाउन पक्षी इस क्षेत्र में, और जब गोडाउन बचाते हैं तो गोडाउन ही नहीं बचाते हम, उस गोडाउन के साथ साथ जितने भी पक्षी और जीव इस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं उनको बचाया जाता है। इसके विपरीत ये खनन मंत्री होकर इस क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहते हैं कि ब्लास्टिंग और क्रशर लगाकर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इसका सत्यानाश करना चाहते हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे, मगर ये खुले हाथ बिना कुछ धन को साथ लेकर मशानों में सबको जाना है। ऐसा कुछ नहीं करें कि आगे वाली पीढ़ी को लिए है हम उनको बिल्कुल बर्बाद करके जाएं। तो मेरी आपत्ति इसीलिए है, और ये जो भी बोलते हैं जिस आदमी को असत्य बोलने का उसको जो है उसकी आदत हो जाती है तो वो सत्य को हमेशा असत्य के नकार कर ही उसका जवाब देगा, सही बात को कभी नहीं बोल सकेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि ये यहाँ पर खनन कार्य जहाँ तक मैं भरत सिंह मौजूद हूँ मैं इस खनन कार्य को नहीं होने दूँगा। रहा सवाल कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एक भ्रष्ट आदमी का हमेशा सोच यही रहता है कि वो भ्रष्ट लोगों को यहाँ लगाए और इन्होंने छांट छांट के भ्रष्ट लोग लगाए, भ्रष्ट हो रही है मंत्री की, वो जो है वहाँ पे भाटक ओढ़ना चाहते हैं। और मैंने इस समय में जो है
विधानसभा में क्वेश्चन करें, मगर विधानसभा में जो क्वेश्चन एक माध्यम होता है वो समाधान का पूरा नहीं है। बहुत बार लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। आज ही मैंने इस जयपुर में जाके वो इधर लंबे समय से विधायक भरत सिंह के आरोपों पर चुप्पी साधे बैठे मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अब मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। प्रमोद भाया ने कहा है कि भरत सिंह वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सुनिए मंत्री प्रमोद भाया का बयान। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय विधायक हैं, और व्यक्तिगत आदमी का कुछ भी अपना व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कोई भी अपने विचार किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकता है। ये स्वतंत्र भारत है। गाना गोडाउन प्रजनन केंद्र का वो पहली चीज तो है कि सोरसन बारा जिले का हिस्सा है, और वहाँ गोडाउन पक्षी बरसों से नहीं है। इस बात का खुद विधानसभा में वन मंत्री जी जवाब दे चुके हैं दो दो बार अलग अलग क्वेश्चन के उत्तर में, कि यहाँ पर बरसों से न तो गोडाउन के कोई पक्षी हैं, न गोडाउन के कोई अवशेष हैं, और न गोडाउन पक्षी के लिए ये जलवायु उचित है। इसलिए गोडाउन की जो उनकी मांग है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उनकी मांग नहीं, बजट घोषणा पत्र का है ये मामला। जैसे उनका कहना है कि विधानसभा में बजट घोषणा सरकार ने कुछ अपने कुछ उसमें दिया है। मैं तो जो बात 35 करोड़ का 35 साल के लिए प्रोजेक्ट बना था। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो विधानसभा में वन मंत्री जी ने जवाब दिया है, सरकार ने जवाब दिया है, जो सरकार ने जवाब दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ।